सब खैरियत तो है ना? हाँ, बस ये समझ लो कि तुम्हारे खैर के दिन शुरू होने वाले। तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना। मैं तो पहले ही इनकार कर रही थी कि हमें यहाँ करना ही नहीं है, ये सब आप करवा रहे थे। शुक्र है कि हम भी अब सुकून का सांस लेंगे। शमशेद भाई से मुलाकात हुई आज? मिलने आए थे। क्या कहा उन्होंने, क्या जवाब दिया? हाँ कर दी ना? फिक्र करने की जरूरत नहीं, उन्होंने हाँ ही की है। हद है अम्मी, आपकी सोच को सलाम है। ये लोग इतना गिरते जा रहे हैं, फिर भी आप दिल में गलत फहमी पाले बैठी हैं। कुछ ही दिन पहले इन्होंने 5 लाख रुपए मांगे और अब 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो जो कहते रहेंगे हम सर झुका के उनकी हर बात मान लेंगे। ये इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। इनसे पूछो, मैंने तो कहा था कि तुम्हें बता दूं। अम्मी, शादी मेरी हो रही है और मुझसे छुपाया जा रहा है, क्यों किया आपने ऐसा? अम्मी मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब चाहिए। जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हारी समझ में आएगा। अभी मैं चाहे कुछ भी बोलूंगी तुम समझोगी नहीं। हर माँ का अरमान होता है कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करें, और मैं भी वही कर रही हूँ। तो करें, किसने मना किया है? लेकिन जो ठीक है वो करें, जो गलत है वो तो ना करें। मैं आप पे इतनी ही बोझ हूँ ना, तो निकाल दे मुझे घर से बाहर। लेकिन कीमत देखिए, मुझे इस घर से रुख्सत मत करें। कल मैं जाकर उनसे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मिया माँ नहीं जाएंगी। अम्मिया मेरी बात तो सुने। मेरे खुदाया, मॉम आप क्या करती हैं? कम से कम मुझसे बात तो कर लेती, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। इसमें तुमसे पूछने वाली कौन सी बात है? मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो। क्या ये किसने कहा आपसे? कोर्स माही ने, उसी ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चले? अरे मॉम आपका कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। आप हमेशा गलत ही करती हैं और वो भी गलत वक्त पर। Come on बाबा, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम उसे पसंद ही नहीं करते। हाँ तो मॉम मैं उसे पसंद नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बस सुन लिया आपने। अगर आपने पहले पूछा होता ना तो ये सब मैं आपको पहले ही बता देता। अरे हम, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अफ मेरे खुदा। मॉम मजाक तो आप कर रही थी मेरे साथ, बजाय इसके कि आप मेरी मर्जी जाने आप उल्टा अपने फैसले मुझ पे थोप रही हैं। आप मेरी माँ या मेरी दुश्मन? अरहम अरहम, सब कुछ तय हो चुका है, अब जो भी है शादी वही होगी। आपको क्या लगता है मुझे जबरदस्ती को मनवा सकता है? हाँ अरे बाप ने जबान दे दी है जमशेद भाई को। अरे तो जबान ही तो दी है, जान तो नहीं दी ना, बदल ले। अरहम, क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते? एक दफा जब वो फैसला कर लेते हैं तो क्या कभी उसे बदलते हैं वो? तो ठीक है, इस बार तो उन्हें बदलना ही होगा, नहीं तो मैं बदल जाऊंगा। मॉम आपको कुछ भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े आप करें और ये शादी तुड़वाएं, वरना जो कुछ होगा ना आप मुझसे गिला मत कीजिए। और आप जानती हैं कि
मैं जिद करता हूं ना तो किसी की नहीं सुनता। अरे हम गॉड सुबेदा बहन, आपके 5 लाख का इंतजाम मैंने बड़ी मुश्किलों से किया था और आप 10 लाख मांग रही हैं। बहन, आप तो ऐसे जता रही हैं जैसे ये पैसे मैंने खा लिए। अब आपके दामाद के कारोबार में ही पैसे कम पड़ गए तो जाहिर है मैं तो आपसे ही कहूंगी ना। कुछ तो मुझ पे तरस खाए आप, इतना बोझ डालें जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। 1-2 लाख की बात होती तो किसी से मन्नत समाजित करके मांग लेती मैं, ये तो पूरे 10 लाख है। इसके लिए मुझे अपना मकान बेचना पड़ेगा। जो करना है आपकी मर्जी, जैसे भी करें, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इंतजाम कर लेंगे। नहीं कर पाऊंगी बहन, इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगी। आप भी तो बेटी वाली हैं, अपने दिल पे हाथ रख के सोचे, अगर आपके साथ होता आप क्या करती? मेरी बेटी होती ना तो मैं जरूर पैसे दे देती। देख ले आप, अगर आपने इंतजाम नहीं किया ना तो हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म ही समझो। नहीं, नहीं, इतना जुल्म करें, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे बहन। ये आपका मसला है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो 10 लाख का बंदोबस्त तो करना होगा, वरना हमारी तरफ से साफ इनकार है। कब बहन, बुरा नहीं मानिएगा, आप चाय जरूर पी के जाइए। मैं सोच रहा था कि अरम की शादी इतनी धूमधाम से कराऊंगा कि पूरा शहर बात करता रहेगा। आखिर इस घर की पहली शादी है, जितने अरमान है ना सब पूरे कर देंगे। डिजाइनर और वेडिंग प्लानर से तुम मिल लेना, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। अरे तुम तो खामोश बैठी हो, मुझे लगा तुम बहुत एक्साइटेड होगी। कुछ नहीं, I was just thinking about Gulbano. पता नहीं कैसा फील करेगी वो। गुलबानो की फिक्र तुम मत करो, मैं बात कर चुका हूँ, वो शादी से राजी है। तो राजी है, मगर अरहम राजी नहीं। अब ये बात किस मुंह से बताऊं? अरे तुम फिर से किसी ख्याल में खो गए? आखिर मसला क्या है भाई, अरहम से तुमने बात कर ली ना? किस बारे में? शादी के बारे में और किस बारे में? वो तो मैंने रात को ही बात कर ली थी, बहुत खुश हो रहा था वो। गुड। अच्छा मैं जरा खुर्रम से बात कर लेता हूँ, पता तो करूँ कि आज कोई मीटिंग्स तो नहीं लाइन अप थी। कोई हल निकालना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत बुरा हो जाए। भाई देख ले कैसे लोग हैं आप ये।
कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि अजीब सी बात है। अब आप बताइए कि हम इतने सारे पैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। रज, तुम अरहम से बात करो, शायद वो कुछ ना कुछ कर दे। मैं अरहम से बात नहीं करने वाली, और बेहतर होगा कि आप मुझे फोर्स ना करें। कैसी बात कर रही हो? आपको पता है अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। मेरे ख्याल में रज ठीक कह रही है, अरहम से कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगी। आप कैसे करेंगे इंतजाम? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, छोटी मोटी रकम नहीं है, रकम बहुत बड़ी है, और हमारे लिए उसे वापस करना भी बहुत मसला है। आप लोग बेफिक्र, मैं अपनी रकम की वापसी का तकाजा आप लोगों से हरगिज़ नहीं कर रहा, लेकिन एक बात करना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। अरे जी ज़रूर ज़रूर, कहिए आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? सोचिए ना, जो लोग अभी ऐसा कर रहे हैं शादी से पहले, तो आगे क्या करेंगे? अगर कहीं बाद में उनकी कोई डिमांड आप लोग पूरी नहीं कर सके और उन्होंने आपकी बेटी को घर भेज दिया तो क्या करेंगे आप लोग? आगे आप लोग जो फैसला करें मैं आप लोगों के साथ। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। बाद में रोने से अच्छा है कि इंसान अभी रो ले। आप ये रिश्ता तोड़ दें, ऐसे घटिया लोगों से रिश्ता रखने से अच्छा है कि हम इनकार कर दें। ऐसे कैसे इनकार कर दे, लड़की का मामला है, आगे जाके बहुत बुरी बात हो जाएगी। जी मॉम, बुलाया था आपने। जी मैं वजह जानना चाहती हूँ कि आखिर आप माही से शादी को क्यों इनकार कर रहे हैं। है कोई वजह? फिर तो मुझे वो वजह जाननी है कि आप आखिर ये शादी क्यों नहीं करना चाहते। अरे रहने दे मॉम, आपसे सुना ही नहीं जाएगा। That's my problem, मैं सुन लूंगी। तुम सिर्फ मुझे बताओ कि तुम आखिर ये शादी क्यों नहीं करना चाहते। आई वॉन्ट टू नो द रीजन। ठीक है, अगर आप सुनना चाहती हैं तो सुने। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी को। माही, हेलो, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? शॉक्ड हो गया ना मुझे देख के? हाँ, नो इट्स प्लेजेंट। खड़ी क्यों, बैठो ना। अरे बैठने को तो कहो उसको। आओ प्लीज बैठो। आई कब हो? मैं आज ही आई हूँ। ओह दैट्स नाइस। लो कैसे समझाऊं मैं, क्या करूं, माँ हूं मैं, तुम्हारा बुरा कभी सोच सकती हूँ मैं? अम्मी आपको ये फैसला मुझसे पूछ ही करना चाहिए था। और अगर आप पूछ नहीं सकती थी तो कम से कम मेरी राय तो ले लेती। एक तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हो और पर से तुम हमें ही आंखें दिखा रही हो। ये अच्छा, अगर आप दोनों के पास सवाल का जवाब नहीं है तो मुझे हमेशा की तरह खामोश करवा दे जैसे हमेशा पहले करवाते रहे। हमेशा से तो तुमने हमारी नाक में दम किया हुआ है, सिवाय मसले पैदा करने के और परेशानियां खड़ी करने के तुमने आज तक किया ही क्या है? किस बात की अकड़ है तुम में? हाँ ऐसा, आवाज नीची रखो, घर में तैमूर भी है, वो सारी बातें सुनेगा तो क्या समझेगा हमें कि कैसे जाहिल लोगों के घर में आ गया हूं मैं। ये तो आप इससे समझाए ना, हर वक्त घर की बड़ी बनी फिरती है, हर मामले में बोलना इसको जरूरी है। हाँ तो बड़ी हूँ, कमाती हूँ, खिलाती हूँ तो बोलू भी नहीं। इतने सालों से तो तुम मेरी सैलरी पर पल रही हो और इतनी अकड़े जैसे तुम मुझे बैठा कर खिला रही हो। आप रज बस करो, बहन है ये तुम्हारी, फजूल बातें मत करो। बहुत अच्छा किया,
बहुत अच्छा किया जो तुमने जतला दी। तुम बेफिक्र, तुम भी मजीद बोझ नहीं बनूंगी, चली जाऊंगी इस घर से। हाँ तो जाते क्यों नहीं हो, न जाने कब जान छूटेगी तुमसे, हमारी मुसीबत बन गई हो हमारे लिए। बस करो तुम दोनों, बोली जा रही हो, बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी तो बहनों की तरह मिल बैठ के बात कर लिया करो, जंगलियों की तरह सारा वक्त लड़ना है। मैं तो हमेशा से बहन समझती हूँ, लेकिन यही मुझे दुश्मन समझती है अपना। और आप भी हमेशा इसी के साथ देती है। अल्लाह ने मैं इसके में पैदा ही क्यों हो गई, अल्लाह कहने मैं मर जाऊं। ना करे, तुम्हें भी सब्र नहीं है तो उसकी भी तो अकड़ खत्म नहीं होती। अपनी ज़बान पे काबू रखा करो, कमाती क्या हो तो ये तुम खुद अकड़ती हो उसके सामने। चुप हो जाए करो, अब वो एक गैर आदमी यहाँ पे रह रहा है, क्या समझेगा कि कैसे जाहिल लोगों के घर में रह रहा हूँ मैं। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, हम डिले कर सकते हैं ना शादी, तो फिर क्यों नहीं कर रहे। वही तो पूछ रहा हूँ कि किस जवाब पर आगे करेंगे, कोई वजह तो देनी होगी। आशिर भाई, मेरी कुछ फ्रेंड्स फॉरेन से आ रही हैं, वो शामिल हो जाएंगी, और वैसे भी इंतजामात बेहतर हो जाएंगे ना, इतना हैपेजेट करने की क्या जरूरत है। आप बात तो करें जमशेद भाई से। इतनी फिजूल सी लॉजिक है जिसका ना कोई सर है ना पैर। और शादी कराने की तुम ही को जल्दी थी ना, तो अब खुद डिले करा रही हो। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? ठीक, मैं क्यों आपसे कुछ छुपाने लगी, और मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई है? तो फिर अचानक ये तुम्हारा रवैया इतना बदला सा क्यों लग रहा है? आशे, क्या हो गया है आपको? कोई रवैया नहीं बदला मेरा, ऐसी वहम हो रहा है। बहरहाल देखो, माही भी आ चुकी है और मैं भी चाहता हूँ कि ये सब कुछ जल्दी से हो जाए। आखिर मैं भी अपने पोता पोतियों के साथ खेलना चाहता हूँ, क्या तुम ये नहीं चाहती? क्यों नहीं करता, बहुत करता है। तो प्लीज आइंदा से ये अजीब मंतके ना देना। आफिया, मैं बाप होकर मीराब को शादी में नहीं बुला रहा, और तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र है, जो तय हो चुका है वो बदल नहीं सकता। इसलिए बेहतर यही है कि ज़हनी तौर पर तुम खुद मुतमैन हो जाओ। सब सामने से हटेंगे। गॉड, फाइनली आज तुम मेरे सामने हो। पता है एक एक पल कितना गिन गिन के गुजर रहा था, मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के आ जाऊं तुम्हारे पास। तुम बताओ तुम्हारे दिन कैसे गुजरे मेरे बगैर। मुझे पता है तुम्हारा दिल चाह रहा होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं फौरन, है ना? क्या बात है, इतना चुप क्यों? ना आज तुमने मेरी तारीफ की, ना कोई रोमांटिक बात, सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जाने के बाद किसी और से दिल लगा दिया?